खूबसूरत लग रही है और काफ़ी मनमोहक है, और ऐसी प्रतिमाएं देख करके एक अलग सा फील आता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर के यहाँ लखनऊ के एक ऐसे मंदिर में जो कि साउथ इंडिया के स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के तर्ज पर बना हुआ है, तो आज मैं इसी मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए क्योंकि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। बाहर से जितना खूबसूरत मंदिर लग रहा है उतना ही अंदर से भी खूबसूरत है ये मंदिर, और अभी अंदर चल करके भी देखेंगे कैसा है ये मंदिर। तो वीडियो में बने रहिएगा, और बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। यहाँ से आप इस मंदिर को देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल साउथ इंडिया के स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर की तरह ही दिख रहा है। और जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं जो मुख्य मंदिर है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, और बहुत ही खूबसूरत सा ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर जब आप आएँगे तो आपको एक अलग सा फील होगा। और मंदिर के अंदर जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे गेट से, तो लेफ़्ट साइड में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नौ ग्रह की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी मूर्तियाँ जो प्रतिमाएँ हैं ये सभी नौ ग्रह की प्रतिमाएँ हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एक ही जगह पर रखा गया है, इनको स्थापित किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आइए अब चलते हैं मेन मंदिर में जो कि वेंकटेश्वर मंदिर है। ये देखिए बाहर से इस मंदिर की खूबसूरती को देखिए। दोस्तों मंदिर के आसपास का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, और काफ़ी ठंडा ठंडा सा यहाँ पर फील हो रहा है क्योंकि पेड़ पौधे लगे हुए हैं बड़े बड़े। और दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर के जो ऊपर का टॉप है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ से जब आप नज़ारा देखते हैं ना इस मंदिर का, तो ऐसा लगता है कि शायद आप साउथ इंडिया में ही आ गए हो, लखनऊ को शायद एक पल के लिए आप भूल जाएंगे क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम बेहतरीन नज़ारा है ये मंदिर का, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर। अब आइए चलते हैं मंदिर के मेन गर्भगृह में जहाँ पर स्वामी वेंकटेश्वर जी स्थापित हैं, जहाँ पर स्वामी वेंकटेश्वर जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने स्वामी वेंकटेश्वर जी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। बहुत ही खूबसूरत सी स्वामी वेंकटेश्वर जी की मूर्ति है यहाँ पर, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है और काफ़ी मनमोहक है। ये देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं गरुड़ देव जी की भी मूर्ति स्थापित है, जहाँ पर स्वामी वेंकटेश्वर जी की मूर्ति है जस्ट स्वामी वेंकटेश्वर जी के सामने ही गरुड़ देव जी भी स्थापित किए गए हैं, जो कि मंदिर का एक कुछ रूल होता है या फिर जो भी नियम हो उनका। और यहाँ पर हमारे प्यारे से हनुमान जी भी स्थापित किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं एकदम मनमोहक सी प्रतिमा है हनुमान जी की, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो हनुमान जी के लिए एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर श्री पद्मावती जी की भी प्रतिमा स्थापित है जो कि काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा है पद्मावती जी की, और ऐसी प्रतिमाएँ देख करके एक अलग सा फील आता है, शायद आप भी ये चीज़ फील कर रहे होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री अंडेल जी की भी मूर्ति स्थापित है, और काफ़ी खूबसूरत सी प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर श्री अंडेल जी की। और इसके अलावा दोस्तों जितनी भी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर वो सभी काफ़ी खूबसूरत हैं, और इस मंदिर की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
और ये हैं वॉइस मार्शल GM विश्वनाथ जी। इन्होंने ही इस मंदिर को स्थापित करवाया था और इन्होंने अपने जीवन में कमाई हुई सारी धन दौलत जो भी था इनके पास बचा हुआ वो सब इस मंदिर में लगा दिया था और अब ये इस दुनिया में नहीं है, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मंदिर कैसा लगा। और बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ में जो लोग मंदिर जाना बहुत पसंद करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।